हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्युलर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लो स्टूडियो ऐप क्या है और फ्लो स्टूडियो ऐप कैसे यूज़ करते हैं और ये सारा कुछ दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो नाम से ऐप है दोस्तों, फ्लो स्टूडियो, और इस तरह का लोगो आपको मिलता है ब्लैक में फ्लो लिखा हुआ। और इसके डाउनलोड की बात करें तो दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं। और एडिटिंग के अंदर में आपको इसके अंदर में क्या मिलता है तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे फ्लो स्टूडियो है। हालांकि फ़ोटो एंड डिज़ाइन लिखा हुआ है इसके आगे, तो यहाँ पे आप फ़ोटो और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि इजी टू यूज़ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं क्विकली कोई भी चीज़ को, आप इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटेंट बनाने के लिए टूल दिया गया है, क्रिएटिविटी एडिटर टूल्स मिलते हैं, एक्सपेंसिव स्टॉक लाइब्रेरी यहाँ पे मिलती है जिससे आप चीज़ें उठा के स्टॉक में लगा सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड रिमूवर है, आप फ़ोटो बुक जो है 5 मिनट में आप इसके अंदर में फ़ोटो बुक जो है बना सकते हैं। और ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, 1 मिनट में आप जो है उनको चेकआउट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी शेयरिंग इसमें जो है आपको इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो चलिए हम ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में दोस्तों इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, इसमें कि ऊपर आपको सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ जाता है दोस्तों। इसके अलावा नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं जैसे कि फैमिली, ट्रैवल, कैटेगरीज दी हुई हैं, है ना। इसके बाद में न्यू में आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं बने बनाए, इनको आप डायरेक्ट एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट अगर बनाने हैं तो उसके हिसाब से कुछ दिए हैं बने हुए, इंस्टाग्राम स्टोरी है तो वहाँ के हिसाब से कुछ टेम्पलेट्स बने हैं, स्ट्रिप पोस्टर के हिसाब से कुछ बने हुए हैं। तो अलग अलग आपको यहाँ पे बने हुए टेम्पलेट्स हैं जिनमें आप जा देखते हैं हम इनको ओपन करके क्या करना है। तो मान लीजिए कोई आप यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पोस्ट ही आपको समोस बनाना है, तो यहाँ पे आप आए, आपको यहाँ पे एक फ़ोटो देखने को मिली है ना, टेम्पलेट देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पलेट देखने को मिला, हमने यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक किया और डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पे ये वो टेम्पलेट हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद में डायरेक्ट ही आपकी कैटेगरी ले आता है उठा के आपकी गैलरी में। यहाँ पे हम एक फ़ोटो सेट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हम नेक्स्ट पर सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये टेम्पलेट बना हुआ है। ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट है जिसको हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना है हैप्पी बर्थडे, है ना, तो हम मान लीजिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं। और यहाँ जो इमेज है दोस्तों उस पर भी क्लिक करके आप इमेज को यहाँ से अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी एडिट नहीं हो रही है फ़ोटो, तो आप यहाँ से उसको फ़िल्टर, क्रॉप और वगैरह वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्रॉप का ऑप्शन किया और इमेज को थोड़ा नीचे सेट कर दिया ताकि इसका जो फेस है वो हमारे बिल्कुल सेंटर में आए, और करने के बाद हमने राइट टिक पर क्लिक कर दिया तो इमेज हमारी परफेक्टली सेट हो चुकी है और ये फ़ोटो हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल 1 सेकेंड में। तो इस तरह से आप जो है सिंपली आपने यहाँ पर फ़ोटो कर ली। इसके अलावा नीचे क्लिप का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, स्टाइल का ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप टेक्स्ट वगैरह ऐड और कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहते हैं तो। मान लीजिए हमारा टेक्स्ट है तो यहाँ पर टेक्स्ट ऑलरेडी डाला है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। करने के बाद में बस ऊपर आपको यहाँ पर सेव वाला बटन देखने को मिल रहा है, उस पर सेव पर क्लिक करिए और सेव उठा के आपको जहाँ पर सेव करना है उसको यहाँ पर सेव कर लीजिए। और यहाँ से एक ऑप्शन दिया एक्सपोर्ट का, जहाँ पर जाके आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, कौन सी आप इमेज का फॉर्मेट चाहिए JPG PNG सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद नीचे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए, फ़ोटो आपकी सेव हो जाएगी, जहाँ डालना चाहें उसको उठा के वहाँ से डाल सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिला। इसके बाद में इसी तरह से दोस्तों आपको अन्य जितने भी टेम्पलेट देखने को मिल रहे हैं उनको बिल्कुल सेम तरीके से आपको जो है एडिट करना है, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओपन हैंड एडिटिंग करना चाहते हैं, है ना, यहाँ तो पहले आपको ईस्टर, फैमिली, ट्रैवल के कैटेगरी मिल गई है, तो न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद में आपको यहाँ से कोई भी आप प्रोजेक्ट यहाँ रेडी करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, आपको इमेज का साइज़ पूछा जा रहा है कि आप किस इमेज में काम करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फेसबुक पोस्ट ले लिया, तो फेसबुक पोस्ट के यहाँ से हिसाब से आपका यहाँ पे खुल गया। उसके बाद में यहाँ पे आपका लोडिंग हो रहा है, फेसबुक पोस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे कौन सा शेप वगैरह अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप उसका ऐड कर सकते हैं। फ्रेम वगैरह आप जो है कैसा रखना चाहते हैं वो भी फ्रेम आपको यहाँ पे आप डाउनलोड करके फ्रेम यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों, है ना। लेआउट आप इसमें जो है कैसा बनाना चाहते हैं उसका लेआउट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे जो एलिमेंट्स हैं, जो टेक्स्ट है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया है,
अब देखिए लेआउट में आपको कैसा लेआउट देना है ना, तो अलग अलग हमारा जैसा मैं मान लीजिए कि ये लेआउट है, मैं सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें ऊपर अपनी इमेज रखना है और नीचे टेक्स्ट रखना है, तो ये हमारा एक लेआउट बन गया है ना। तो हम बस इमेज वाले ऑप्शन में जाएंगे और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से एक फ़ोटो उठा लेंगे। मान लीजिए ये फ़ोटो मैंने उठा लिया। अब इसके बाद में नीचे जो टेक्स्ट है इसको भी आप जाके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो आप उस पर फिर से क्लिक करिए और जो भी आपको यहाँ पर लिखना है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमने जाके, है ना, कुछ भी आपको लिखना है वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसको बड़ा छोटा करना है, उसका कलर चेंज करना है या फॉन्ट वगैरह का जो भी चीज़ें सेटिंग है वो नीचे दी हुई हैं। आपको जब टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, जब इमेज पर क्लिक करते हैं तो इमेज के हिसाब से नीचे आपको अलग अलग यहाँ पर सेटिंग्स दी हुई हैं बहुत सारी, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़िल्टर दिया हुआ है हमें, फ़िल्टर आप अपने यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कैसा फ़िल्टर आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, है ना। इसके बाद में यहाँ पर आप जो है कटआउट वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा कटआउट वाला ऑप्शन भी दिया है, जिससे आपका इस तरह से कटआउट निकल आता है। हालांकि ये इमेज पहले से एडिट थी तो हम यहाँ कटआउट नहीं करेंगे, है ना। क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं स्क्रीन में, है ना, रोटेट कर सकते हैं, उसको घुमाना चाहें, तो बहुत सारी सेटिंग्स है, अपने हिसाब से आप इसमें सेट कर लीजिए दोस्तों। और बस उसको पूरा एडिट कर लीजिए। करने के बाद में यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट वगैरह कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, है ना, और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सारा कुछ करने के बाद में दोस्तों बस आपको जो भी करना है उसको कर लीजिए। फ़ोटो वगैरह ऐड करना है तो फ़ोटो और ऐड कर लीजिए, टेक्स्ट ऐड कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, कोई शेप ऐड करना है तो शेप ऐड कर लीजिए, फ्रेम ऐड कर लीजिए। सब कुछ करने के बाद में बस सिंपली आपको वहाँ पर उसको ऊपर ऑप्शन है डाउनलोड करने का, वहाँ जाइए और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आपको सिंपली फ़ोटो को सेव कर लेना, जैसे अभी हमने फ़ोटो सेव की थी। तो इस तरह से जो है आपको फ़ोटो एडिटिंग करना है न्यू प्रोजेक्ट में जाके। इसके अलावा दोस्तों नीचे मैंने आपको बताया ही था पहले, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हैं, वहाँ से आके भी आप उनके टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके और इजीली आप उसके में फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छी लगी तो, और नहीं भी लगी तो भी वीडियो को लाइक करिए ताकि प्रोत्साहन बना रहे, और इसी तरह की जानकारी वाले वीडियोज़ के लिए बने रहिए रेगुलर यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।